भोजपुर दर्शन न्यूज खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखें। हमारे तरारी संवाददाता धनंजय शर्मा के अनुसार तरारी प्रखंड के सभागार में भाजपा द्वारा कार्य समिति की बैठक का आयोजन मंडल अध्यक्ष विद्या सागर पांडे की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने सीओ के विरुद्ध मनमानी एवं अवैध राशि वसूली का आरोप लगाते हुए संगठन की मजबूती के लिए कार्य करने की बातों पर चर्चा किए। है कि हम लोग ऑनलाइन कर देते हैं दाखिल खारिज करने के लिए, इसके बाद भी बगैर पैसा दिए हुए हम लोगों का काम नहीं हो रहा है। और जब से मैडम आई है, ये शिकायत है आमजनों का, हमारे कार्यकर्ताओं का भी, जब से मैडम इस कार्यालय में पदभार ग्रहण की है तब से यहाँ घुसखोरी बढ़ गई है। तो हमने सोचा कि चलो भाई इस पर थोड़ा बात कर लिया जाए। तो जब जाने के बाद वहाँ पहले तो उनका गार्ड ने दुर्व्यवहार किया, उनसे मैंने गया और उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या काम है। हमने कहा कि सीओ मैडम से मिलना है। तो किस लिए, हमने कहा कि सारी चीज़ आप ही को हम बता दें, आप सिर्फ उनसे इतना ही बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल आपसे मिलना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जाइए, जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक नहीं मिलना है। तो हमने वहाँ से आ गया। आने के बाद अपन फिर हम लोग आपस में बैठ करके चर्चा किया और हुआ कि भाई चल करके फिर एक बार उनके से प्रयास किया जाए, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी वही स्थिति बरकरार रहा। इसके बाद हमारी पूर्व की तरारी पश्चिमी के जिला परिषद वंदना जी थी, जो अभी जिला में मंत्री हैं पार्टी की, इन्होंने कहा कि चलिए हम भी एक महिला हैं, महिला के नाते उनसे मिलें। इसके बाद वहाँ जाने के बाद हम लोग आधा घंटा खड़े रहे, इंतजार किए कि भाई अब टाइम हमको मिलेगा, लेकिन टाइम नहीं मिला। अंत में जब देखी कि मामला बढ़ रहा है तब कह रही हैं कि नहीं तीन आदमी आ पाइए, शिष्टमंडल का मतलब कम से कम पाँच। वो देने को तैयार नहीं थी, हम लोगों ने लौट गया। अब इसके लिए हम लोग जिलाधिकारी अपने विभाग के मंत्री को लिखेंगे और जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगा हम लोग यहाँ आगे बात करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं तो हम लोग सरकार के विरुद्ध भी धरना प्रदर्शन के लिए तरारी में अगला कार्यक्रम अपना निश्चित करेंगे। दूसरी बात इसमें ये था कि ऑफिस में कोई मास्क नहीं पहना था, लेकिन हम लोग जाते ही वो लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि मास्क पहनो, किसी ने मास्क नहीं पहना, कोई गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा है। हमें गाइडलाइन मतलब फॉलो करने के लिए हमें कहा जा रहा है। यहाँ तक कि सीओ ने भी मास्क पहना था, यहाँ मुंह तक मास्क पहना हुआ, उसने भी पूरा मास्क नहीं पहना हुआ, उन्होंने भी नहीं। 15वीं भी राशि के धांधली के संबंध में ये सब, मतलब कौन धांधली किया है इसमें? प्रमुख वीडियो मिलकर किए हैं। प्रमुख वीडियो कितना राशि करीबन धांधली में गबन हुई है? एक करोड़ रुपया। उसके लिए तरारी पुलिस में आप लोग लिखित शिकायत भी की है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन करेंगे। कब से धरना प्रदर्शन? किसी व्यक्ति को यानी चेक काट कर और दूसरा बाउंस कर और दूसरा पर लोग दे दिया है, मतलब जालसाजी जी। हाँ, जालसाजी कर रहा है जी। मैं बोल रहा हूँ वीरेंद्र राम पंचायत समिति बड़का गाँव। आपका श्रीमान परिचय? मेरा परिचय सभी पंचायत समिति सदस्य है, कोई पंचायत समिति सदस्यों का रिलेटिव है? आप सभी ने लिखित शिकायत तरारी पुलिस को दिया प्रमुख और वीडियो के विरुद्ध राशि गबन के आरोप में? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग अपना त्याग आगे बोलेंगे, त्याग पत्र भी दे देंगे सर्टिफिकेट के एसडीओ साहब को बुला करके। कब से भूख हड़ताल करने के आप लोग मन से बने? सोमवार से 26 तारीख अपना सर्टिफिकेट हम उनको वापस कर देंगे। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। कोई उचित न्याय नहीं मिला तो हम लोग सर्टिफिकेट दे देंगे उनको।